और इसी बीच ये बड़ी खबर, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। कई धाराओं में भूपेश बघेल को बनाया गया है आरोपी। ईओडब्ल्यू ने दर्ज की भूपेश बघेल पर एफआईआर। ईडी की रिपोर्ट पर भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज की गई है। बड़ी खबर, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ अब ये बड़ा एक्शन पुलिस का, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। महादेव सट्टा ऐप में ऐप केस में बड़ा एक्शन लिया गया है और इस दौरान पूर्व सीएम के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। कई धाराओं में भूपेश बघेल को आरोपी बनाया गया। ईओडब्ल्यू ने दर्ज की भूपेश बघेल पर एफआईआर। ईडी की रिपोर्ट पर भूपेश बघेल के खिलाफ एक्शन लिया गया और मामला दर्ज किया गया है। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए। युगल, एक बड़ा एक्शन, जहां ईडी की रिपोर्ट पर भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जी बिल्कुल, देखिए महादेव सट्टा ऐप को लेकर के छत्तीसगढ़ में लगातार राजनीति गहराती रही है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं और इस बीच हम मौजूद हैं ईओडब्ल्यू एसीबी के कार्यालय में और अभी जो एफआईआर की खबरें आ रही हैं, मैं अपने सहयोगी एम नवीन से कहूंगा कि वो दिखाएं और यहाँ पर एक बैठक है वो आयोजित की गई है और जो खबरें आ रही हैं कि एसीबी ईओडब्ल्यू ने ईडी के प्रतिवेदन के बाद जो एफआईआर दर्ज की गई है, अज्ञात सहित 21 लोगों के एफआईआर में नाम दर्ज हैं और ये एफआईआर की जो कॉपी अभी जो वायरल हो रही है तो उसमें जो 4 तारीख की एफआईआर है बताई जा रही है और सबसे पहले जो रवि उप्पल है उसके खिलाफ मामला पहले लिस्ट में है, फिर शुभम सोनी है उस पर जो मामला है वो दर्ज किया गया है, उसके बाद चंद्रभूषण वर्मा है, असीम दास है, सतीश चंद्राकर है, उसके बाद जो 6वें नंबर पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम भी अंकित है, नीतीश दीवान है, सौरभ चंद्राकर है और इसी तरह अनिल कुमार अग्रवाल है, इन तमाम लोगों के नाम है। साथ ही साथ इसमें किस तरह से राशि का दुरुपयोग किया जाता था, पैसे की हेराफेरी की जाती थी, प्रमोटरों को बांटा जाता था, उसका भी जिक्र है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विकास छापरिया है, उसका भी नाम है, रोहित गुलाटी उनका नाम, विशाल आहूजा, धीरज आहूजा, अनिल कुमार दम्मानी, अनिल कुमार दम्मानी हालांकि ईडी की गिरफ्त में है और अभी रिमांड पर है, सुनील कुमार दम्मानी है और भीम सिंह यादव, हरिशंकर तिब्रवाल सहित ऐसे जो 21 नाम है। इसमें ये जो ईडी ने जो एसीबी और ईओडब्ल्यू को जो प्रतिवेदन भेजा है उसमें एक बात का भी जिक्र है कि कुछ पुलिस के अधिकारियों की भी संलिप्तता उसमें पाई गई है, लेकिन अभी तक जो बड़े पुलिस के अधिकारी जिनके नाम पहले आते रहे हैं या फिर जो उल्लेख है जो ईडी के प्रतिवेदन पर, तो उन पर एफआईआर की खबरें अभी तक नहीं आई है। लेकिन सबसे अचरज की बात यही है कि जो एसीबी ईओडब्ल्यू के जो जवाबदार अधिकारी हैं जिनके हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन वो अभी इस मसले पर किसी तरह से कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। यह बात तय है कि एसीबी ईओडब्ल्यू कार्यालय में अभी एक बैठक आयोजित की गई है, बैठक किस मसले पर है यह भी अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन आला अधिकारी मौजूद हैं और इस मामले पर अभी फिलहाल कुछ भी नहीं कर रहे हैं। खबरें ये भी आ रही हैं कि राजनीतिक दल जैसे इस एफआईआर की खबरें आई हैं तो उसके बाद पीसी भी हो सकती है। अब हो सकता है कि जिन पर एफआईआर दर्ज हुआ हो ऐसे लोग हैं जो अपनी सफाई में या अपनी बातों को रख सकते हैं, तो दूसरी ओर ये भी है कि बीजेपी है, हो सकता है कि पीसी करके वो भी अपना पक्ष रख सकता है, लेकिन एफआईआर की खबरें आने के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति है एक बार फिर से गर्मा गई है। जी जाहिर सी बात है, छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्मा गई है और महादेव सट्टा ऐप एक बहुत बड़ा मामला है, कई लोगों की पहले भी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन देखा जा रहा है कि पूर्व सीएम के खिलाफ केस दर्ज होना बहुत बड़ी बात है और जाहिर सी बात है जैसा कि सभी को मालूम है इलेक्शन का टाइम भी है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है। युगल जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आप देखिए आज संडे है, दफ्तर में अमूमन ताला लगा रहता है लेकिन आला अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं, अगर वो वर्क कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि मामला संजीदा है और मामला बड़ा भी हो सकता है, लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं
6 बजे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, वो पत्रकार वार्ता राजीव भवन में करने जा रहे हैं। देखना ही होगा कि विषय क्या है, लेकिन अभी जो जानकारी आ रही है, जो FIR की खबरें हैं, वो अपने आप में छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी खबर इसे कही जा सकती है रेणु। खबर इसलिए कि पूरे लगभग 1.5 से 2 साल वक्त हो गया है जो ACB जो है ED की कार्रवाई को लेकर के लगातार कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं और वो कहते रही है कांग्रेस कि ED जी बिल्कुल युगल आपको रोकना चाहेंगे। बीजेपी से अनुराग अग्रवाल जी जुड़ गए। अनुराग जी, सबसे पहला रिएक्शन आपका कि पूर्व CM भूपेश बघेल के खिलाफ ED की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया है, रिएक्शन आपका इस पर? विषय ये है कि अगर आप जनता के पैसे का नुकसान करोगे, जनता के पैसे को स्वहित में उपयोग करोगे और अपना सत्ता का दुरुपयोग करोगे तो आपको उसकी सजा मिलनी तय है। सत्ता हमेशा सेवा के लिए मिलती है, लेकिन कांग्रेस इस बात को कभी नहीं समझ पाई। वो हमेशा सत्ता को सुख साधन तथा संपन्नता का प्रतीक बना के चली रही। लगातार 5 साल में आपने देखा है कि प्रदेश में 53,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने के बाद भी अधोसंरचना के एक भी काम नहीं हुए। PSU में युवाओं का भविष्य बेच दिया गया, गंगाजल की सौगंध खा के महिलाओं को शराबबंदी का वादा करके उसके शराब के पैसे से अपना घर भरा गया और उनके सुहाग उजाड़े गए। इन सबकी सजा उनको मिलनी ही थी और ये सजा अभी मिलनी प्रारंभ हुई है और ये तो शुरुआत है। 5 साल में भूपेश बघेल के नेतृत्व में जिस प्रकार पूरे छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़े, भ्रष्टाचार बढ़े, धीरे धीरे देखिए सारी चीजों की सजा इनको मिलेगी। अब ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों का दुरुपयोग करती है, तो भाई आपके अधिकारियों पे तो आरोप आपके मंत्री लोग लगाए थे। माननीय जयसिंह अग्रवाल जी ने तो पत्र लिखा था, आपने तो संज्ञान लिया नहीं जी। तो लगातार जिस तरह भ्रष्टाचारी अधिकारियों को आप बचाते रहे, अपने लोगों को बचाते रहे, आज ही तो कल इस भ्रष्टाचार की आंच आप तक पहुंचनी ही थी और वो पहुंचनी प्रारंभ हो गई। जी बिल्कुल, तकरीबन 7 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और जाहिर सी बात है कि इसका एक बहुत बड़ा नुकसान भी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है इसमें कई लोगों के पैसे फंसे हुए हैं, कई गरीब भी हैं और जीवन भर की कमाई जोड़कर जमा कर देते हैं, जीवन भर की पूंजी बर्बाद हो जाती लोगों की, और इस मोड़ पर आकर जब इलेक्शन का टाइमिंग है अनुराग जी, तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा नुकसान कांग्रेस के लिए भी है। यहाँ पर मैं ये कहता हूँ कि आप इसको इलेक्शन से जोड़कर क्यों देखते हैं, आप देखिए आप दुर्ग जाइए, दुर्ग में 20,000 युवा इस महादेव ऐप के चुंगोल में फंस के अपना भविष्य बर्बाद कर चुके हैं। पूरे प्रदेश में लाखों की संख्या में युवा अपना भविष्य बर्बाद कर चुके हैं। बिल्कुल, कांग्रेस को दुनिया में लाभ हानि का मतलब पैसा और भ्रष्टाचार ही दिखता है। अगर उनको जनता और देश की सेवा करनी होती तो आजादी के बाद आधे दशक तक उनका देश पर शासन था। इस देश में 50 साल में इन्होंने क्या किया जनता ने देखा है। जब इनके ऊपर बात आती थी तो लोकतंत्र का तक हरण करने लग गए थे। ये तो अपने स्वार्थ के लिए देश में आपातकाल तक लगा चुके हैं। कांग्रेस के लिए निज स्वार्थ सर्वोपरि है, बाकी सब उसके बाद है। जी बिल्कुल, और हमारे साथ धनंजय सिंह जी भी जुड़ गए हैं कांग्रेस से। धनंजय जी, ये एक तो लगातार आरोप लगाती रही है जब कांग्रेस के ऊपर, तब तो कहती रही कांग्रेस के झूठे आरोप है, सारे बेबुनियाद आरोप है, और अब ED की रिपोर्ट पर भूपेश बघेल के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। देखिए, मैंने तो आपसे पहले कहा ना, ED जो है भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन डिजाइनर है। ठीक, चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ED को भेजती है, ED आती है, कांग्रेस और भारतीय पक्षी जो विपक्षी दल के नेता उनके यहाँ छापामार कार्रवाई करती है, PC नरेंद्र मोदी जी आते हैं और ED के लिए लिखी पट कथा पर वो भाषण देते हैं, विपक्षी नेताओं का चरित्रण करते हैं, चुनाव खत्म होता है और वही जिस पर आरोप नरेंद्र मोदी जी लगाते हैं अगर वो भाजपा ज्वाइन कर ले तो कमल छाप वाशिंग पाउडर से धुल जाते हैं, जैसे कि अभी चिंतामणि महाराज को इन्होंने धुलाई करके अपना प्रत्याशी बना लिया है। ये पूरी तरीका से भूपेश बघेल जी के चरित्र हनन का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। आप देखेंगे भूपेश बघेल जी जब राजनांदगांव से प्रत्याशी बनाए गए उसके बाद भाजपा किस प्रकार से चरित्र हनन कर रहे हैं, कभी जिहादी जैसे तस्वीर बताकर आरोप लगाते हैं और अभी UOW क्या है, मुख्यमंत्री के अधीन काम करने वाली एजेंसी है। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं इनके ये लगातार इस प्रकार कार्य करेंगे और जनता में भारतीय जनता पार्टी का चरित्र पर्दाफाश हो गया है। हम जन अदालत में इसको लेके जाएंगे और भाजपा का चरित्र पर्दाफाश करेंगे और देश ने देख लिया है कैसे चौकीदार ने 18 घंटे जाकर कैसे 6,000 करोड़ रुपए का चंदा लिया है, कैसे फ्यूचर गेमिंग है जो सट्टा और जुआ खिलाता है उससे 1,000 करोड़ रुपए भाजपा ने चंदा लिया है, ये देश समझता है और नरेंद्र मोदी जी की विदाई तय हो गई है। इसलिए जो सच है वो तो एक समय के बाद सामने आ ही जाएगा धनंजय जी, लेकिन इस वक्त जो बड़ी मुसीबत आन पड़ी है कांग्रेस के ऊपर, इस पर क्या एक्शन लिया जा सकता है या क्या एक्शन लिया जाएगा कांग्रेस के हाईकमान के द्वारा?
अदालत में जाएंगे और नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र पर्दा पाश करेंगे। कैसे चुनाव में जब हार होता है तो विपक्षी दल के नेताओं का चरित्र हनन करते हैं, ये विपक्षी दल के नेताओं से देखेंगे ना। जब किसान आंदोलन करते हैं तो किसान को आतंकवादी नक्सली और टुकड़े टुकड़े के बोलते हैं जी, रावण आंदोलन करे तो देशद्रोही बोलते हैं। आप मुद्दे से भटक रहे हैं धनंजय जी, रोकना चाहेंगे आपको अनुराग जी। ये तो सीधा आरोप बीजेपी पर आ रहा है कि ईडी और ये जो भी जांच एजेंसियां हैं ये तो सीधे सीधे तौर पर बीजेपी की जो बनी बनाई पटकथा होती है उस पर चलती है। अभी आपने सुना धनंजय जी को, बड़ी में कहावत है कि नक्ता के नाक कटे डेढ़ हाथ रोज बढ़े, मतलब जिस आदमी के पास कोई चरित्र नहीं है वो चरित्रता की बात करेगा। अभी इन्होंने कहा कि हम अदालत में जाएंगे और जनता की अदालत में जाएंगे, तो धनंजय जी और कांग्रेस भूल रही है कि 3 महीने पहले ही जनता की अदालत ने फैसला दिया है, प्रचंड बहुमत से चुनी हुई कांग्रेस की सरकार को प्रदेश से निकाल बाहर किया है। ये जनता का फैसला है, ये इसको तक स्वीकार नहीं कर पाते। हम तो कहते हैं साहब जनता का फैसला कर लीजिए, कोर्ट का फैसला कर लीजिए, कोर्ट का फैसला कर लीजिए, लेकिन गरीब जनता का पैसा उनको देना पड़ेगा। गरीब जनता का अगर हक छीनोगे तो उसकी सजा मिलेगी। आप कितना भी प्रलाप करते रहे जो सच है वो सामने आएगा। आप मुझे बताइए ना, जयसिंह अग्रवाल जी लगातार रानू साहू पे आरोप लगाते रहे, लेकिन जब उनको भूपेश बघेल जी उन पर कार्रवाई करने पर जब उनको बड़ा जिला देते हैं, इसी महा और कोल घोटाले में मुख्यमंत्री जी के उप सचिव सौम्या चौरसिया जी 14 महीने से जेल पे हैं, समीर विश्नोई जी जेल पे हैं, इनको संरक्षण लगातार भूपेश बघेल जी देते रहे। भाई अगर आप अपराधियों के साथ रहोगे तो कार्रवाई होगी ना। ठीक कहते हैं हम कोर्ट जाएंगे, बिल्कुल जाइए कोर्ट, कोर्ट तो न्याय में दूध का दूध और पानी का पानी करेगा, लेकिन जनता की अदालत में 3 महीने पहले जो फैसला किया है उसका तो आप स्वीकार करेंगे ना। अगर आप नहीं करना चाहते तो भी ठीक है, जनता तो उसका फैसला करेगी ही। एक बात समझना पड़ेगा कि चौकीदार हुआ है, अगर गरीब जनता का पैसा खाएंगे तो चौकीदार बख्शेगा नहीं। जी, मुख्यमंत्री बनने के पहले, भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बनने के पहले पूरे परिवार के साथ उनको थाने ला दिया गया था, थाने में बैठा दिया गया था, आरोप काफी सारे थे, घोटाले के आरोप उन पर लगे हुए थे, और उसके जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने उसके बाद सारे आरोप उनके निराधार हो गए, जांच हुई और जांच के बाद सारी स्थितियां साफ हो गई। इस बार एक बार फिर से भूपेश बघेल घेरे में आ चुके हैं। धनंजय जी, सवाल आपसे है, तो इस बार अब भूपेश बघेल के पास तो आगे रास्ता उतना क्लियर नहीं है कि जांच होगी और जांच के बाद तुरंत स्थिति साफ हो जाएगी। देखिए, आपने जो बातें कही ना कि जब रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जो एन चुनाव के वक्त भूपेश बघेल जी के जो माता भी स्वर्गीय हो गई है, जो इनका अस्पताल में इलाज चल रहा था ना, उनको, उनके भूपेश बघेल जी के धर्मपत्नी को, उनके बच्चों को रमन सिंह की सरकार ने ECOW के पास बुलाकर गिरफ्तार करने का प्रयास किया था। याद है ना, पूरे प्रदेश से देखा है। बिल्कुल, बिल्कुल। वही हरकत विष्णु साय सरकार कर रही है। फिर एक बार भूपेश बघेल जी का चरित्र हत्या करने के लिए यही वो ईडब्ल्यू है जहाँ बुलाकर चरित्र हत्या का प्रयास कर रही है। प्रदेश देख रहा है भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को। जब जब भाजपा की सरकार बनती है कांग्रेस नेताओं को कैसे परेशान किया जाता है। ये देश प्रदेश भूला नहीं है 2017 की घटना, जब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, भूपेश बघेल जी की वृद्ध माता जिनका इलाज चल रहा था उनको एम्बुलेंस में बैठाल कर पुलिस ने गिरफ्तार किया था ECOW में। भूपेश बघेल जी उनकी धर्मपत्नी पुत्र को आज भी वही हरकत ECOW कर रहा है। ये समझ में आ गया है कि भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के सर्वोच्च नेता। अच्छा, ये ECOW पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं, लेकिन एक बार ये भी है कि जब पक्ष में बात आती है तब सवाल नहीं उठता। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। और इस वक्त युगल भी जुड़े हुए हैं, युगल की तरफ भी एक बार रुख करेंगे। युगल, मुद्दा बहुत ही गंभीर हो चुका है। देखिए, पहले भी भूपेश बघेल घेरे में आए थे, लेकिन जब सत्ता में आ गए, मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद देखा गया कि जो सारे आरोप थे वो निराधार हो गए, जांच हुई और जांच में वो बिल्कुल साफ पाए गए। लेकिन इस बार और कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। अब ईडी की रिपोर्ट को तो सीधे सीधे तौर पर कांग्रेस झुठला ही रही है। उनका ये कहना है कि ये तो बीजेपी की लिखी हुई पटकथा के अनुसार पूरा काम किया गया, और अब भूपेश बघेल को आरोपी बनाया जा रहा है, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। युगल जी, बिल्कुल रेणु, देखिए बीजेपी के को लेकर के लगातार कांग्रेस हमलावर रही है, खास करके ईडी है। ईडी जब भी यहाँ पर छापे मारे की कार्रवाई की, ईडी ने किसी की गिरफ्तारी की, तो बाकायदा कांग्रेस की ओर से तंज कसा गया है। लेकिन अभी एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की परेशानी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि
जो एफआईआर की खबरें हैं, एफआईआर की जब खबरें हैं, कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है महादेव सट्टा ऐप के संचालन को लेकर के। जिस तरह से जो शोक नोटिस भी जारी किया गया था, साथ ही साथ ये बड़ी लंबी कार्रवाई विगत 2 वर्षों से चल रही है, कई अधिकारी कर्मचारी जेल में हैं, कोल स्कैम का मामला आया, लगातार सरकार विपक्ष में जो तीखे जो नोक झोंक है वो होते रहे हैं, मामला सदन पर भी गूंजा, लेकिन अभी फिलहाल एक बार एक एफआईआर की जो खबरें आ रही है उससे परेशानी तो बढ़ी हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा 6 बजे जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसमें किस तरह से अपनी बातों को रखते हैं, किन मुद्दों को रखते हैं। लेकिन ईडी के आड़ में लगातार इस तरह से जो हमले हैं कांग्रेस बीजेपी की ओर लगातार करते रही है, लेकिन एक जांच एजेंसी है उस ईडी की रिपोर्ट पर यह भी उल्लेखित है कि कुछ पुलिस अधिकारियों की पुलिस विभाग के कर्मचारियों की संलिप्तता पाई गई है, तो ऐसे में क्या उन पर भी एफआईआर होता है, उनका भी नाम का जिक्र है। तो देखना होगा कि आगे जब एफआईआर होती है तो उसमें लिखा भी है कि एक कंडिका में लिखा हुआ है कि अज्ञात पुलिस अधिकारी कर्मचारी, तो देखना होगा क्या उन पर गाज गिर पाती है या नहीं गिर पाती है। लेकिन अभी परेशानी तो फिलहाल बढ़ी हुई नजर आ रही है और अभी भी जो एसीबी ईओडब्ल्यू के ऑफिस में आला अधिकारी बैठे हैं, मीटिंग चल रही है, लेकिन अभी तक ये कहा जा सकता है कि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन ये तय है जिस तरह से एफआईआर की कॉपी आई है जिसमें उनका जिक्र है, 21 लोगों का नाम है, पुलिसकर्मी भी उसमें शामिल है, तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की राजनीति पर और भी उफान आ सकता है। जी जाहिर सी बात है, कई सारी धाराएं जैसे कि आईपीसी की धारा 120B, 34, 406, 420, 467 और 468, साथ ही 471 के तहत मामला दर्ज किया गया है। युगल, सवाल यह है कि एक बड़ा चेहरा कांग्रेस के और वो भी दागदार हो चुके हैं, कांग्रेस को इसका कांग्रेस लगातार नुकसान तो उठा ही रही है, कद्दावर नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन अब वो चेहरा जो काफी फेमस हो चुका था अपने कार्यकाल के दौरान, अब वो भी अब इस तरीके से ईडी की चपेट, ईडी की रिपोर्ट के बाद से अब दागदार होता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के लिए ये समय अब बहुत ही ज्यादा पीड़ादायी या ये कह सकते हैं कि कठिनाइयों भरा होने जा रहा है। युगल जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, देखिए रायपुर की घटना है जब पूर्व मंत्री राजेश मूढ़त का जो एक जो सीडी वायरल हुआ था उसमें उनको खामियाजा उठाना पड़ा, जनता के बीच इस तरह के मैसेज जाते हैं, चुनाव में अलग अलग परिदृश्य भी बनता है और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है, और जब जो एक बड़ी एजेंसियां हैं अगर वो प्रतिवेदन दे और उसके बाद एफआईआर हो तो उसका जो मनोवैज्ञानिक जो प्रभाव है वो आम जनता आम मतदाता पर पड़ता ही है। और अगर हम बात करें चुनाव परिदृश्य की अगर बात करें तो जिस तरह से बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस के बड़े नेता मैदान पर डटे हुए हैं, राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री खुद प्रत्याशी है, और ऐसे में उनके खिलाफ एसीबी ईओडब्ल्यू में अगर एफआईआर होता है तो बिल्कुल मैसेज एक गलत तरीके से जाता है, मैसेज को किस तरह से कन्वे किया जाएगा यह भी एक अलग बात है, लेकिन इस एफआईआर का खामियाजा हो सकता है उनको भुगतना पड़े। लेकिन अभी जो एफआईआर की जो खबरें आ रही हैं और अभी हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बैक टू बैक अब पीसी जो होने जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं कड़ियां जुड़ती हैं और कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही है बीजेपी पर ईडी का, केंद्रीय जाँच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का। जी भूपेश बघेल के साथ 21 अन्य लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है, इनमें कौन कौन से विभाग के लोग शामिल हैं, कोई जानकारी कोई डिटेल इस बारे में? जी बिल्कुल, देखिए अभी हम एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे और ये तस्वीर साफ बयां कर रही है कि अभी भी एसीबी और ईओडब्ल्यू के जो अधिकारी हैं वो हम मौके पर मौजूद हैं, और अगर हम नामों का जिक्र करें बहुत सारे अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है जिसमें आईएएस भी हैं जो अभी भी जेल में है, लगभग 1 साल से अधिक वक्त हो गया है और वो जेल पर हैं, लेकिन इसमें जो कुछ राजनेता भी हैं, कुछ पुलिस अज्ञात पुलिस के जो कर्मचारी हैं उनका भी नाम है, सुरेंद्र बागड़ी है उर्फ जूनियर कोलकाता का रहने वाला है इसका भी नाम है, सूरज चौखानी है, और इसके अलावा ब्यूरोक्रेट्स पुलिस के अधिकारी गण ओएसडी गण
अज्ञात निज व्यक्तिगण, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब इस तरह से मामले का खुलासा होगा, परत दर परत खुलासा होगा, तो बहुत सारे नाम आएंगे। अज्ञात का मतलब यही होता है रिनू कि उसमें एक भी नाम हो सकते हैं और एक से अधिक नाम हो सकते हैं। तो अभी जो 21 लोगों का नाम आया है तो उसमें FIR में लोगों की संख्या है वो बढ़ सकती है, वो सामान्य लोग भी हो सकते हैं। पुलिस OSD की भी जिक्र किया गया है, तो किसका OSD है, कौन राजनेता का OSD है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन एक विस्तृत जांच का ये पूरा ब्यौरा है। लेकिन महादेव सट्टा ऐप को लेकर के जिस तरह से एक वीडियो भी जारी हुआ था, उसमें उसने खुलासा करते हुए ठीक बताया था, विधानसभा चुनाव के वक्त था जब एक BJP ने वीडियो भी जारी किया था, तभी जमकर बवाल मचा था। और अब तो लोकसभा का चुनाव है और उस वक्त इस तरह की FIR की जब खबरें आ रही हैं, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ, तो एक बड़ा मामला, बड़ा वो कहा जा सकता है। इससे पहले भूपेश बघेल की जो गिरफ्तारियां हैं वो भी हुई थी, कुछ दिन वो जेल गए थे, लेकिन उस सर कांग्रेसियों ने जमकर बवाल है वो मचाया था। तो देखना होगा कि अब इस FIR को लेकर के कांग्रेस की क्या स्ट्रेटजी रहती है, किस तरह से पब्लिक पे मतदाता के बीच वो जाते हैं, कैसा अपना पक्ष रखते हैं, ये फिलहाल कांग्रेस के लिए चुनौती भरा डगर अभी फिलहाल साबित हो रहा है। जी बिल्कुल, चुनौती भरा है ही। और दूसरी तरफ अब कांग्रेस, अब चूंकि जाहिर से बातें आरोप लगाने के अलावा कांग्रेस अभी बहुत शॉर्ट टाइम पे कुछ ज़्यादा कर भी नहीं पाएगी। हाँ, वो बातें अलग हैं कि अभी अदालत तक जाएंगे, इस मामले को आगे खींचा जाएगा, लेकर जाएंगे, फिर समाधान होगा। लेकिन इसके पहले अभी जो स्थिति है, कांग्रेस सीधे तौर पर आरोप लगा रही है कि BJP की रची रचाई साजिश के अंतर्गत ये कार्रवाई हो रही है। भूपेश बघेल पूरी तरीके से साफ हैं, ये कहना है कांग्रेस का। भी कुछ देर पहले हमारी बात हो रही थी, धनंजय सिंह का यही कहना था कि जो BJP ने कह दिया, बड़े लीडर्स आए, उन्होंने जो बोल दिया, उसी के अनुसार पूरी कथा चल रही है छत्तीसगढ़ की राजनीति में। ये बिल्कुल, देखिए कोर्ट एक अलग मुद्दा होता है, कोर्ट में लेकर के मामले को संज्ञान में लेकर के जाया जा सकता है। अगर निचली अदालत में एक नियम ये भी है कि अगर कोई थाने में या फिर इस तरह के FIR दर्ज हुई है और उन FIR पे अगर किसी तरह का लेकुना है, किसी तरह का त्रुटि है, तो उसे क्वेश कराने के लिए भी ऊपर जाया जा सकता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी आवेदन है, अर्जी है, वो लगाई जा सकती है। अभी फिलहाल जो दुर्ग के जो विधायक हैं देवेंद्र यादव, उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, हालांकि अग्रिम जमानत के लिए वो याचिका खारिज हो गई। तो न्यायालय में जाने के लिए चाहे वो आरोपी हो या फिर पीड़ित पक्ष हो, दोनों स्वतंत्र होते हैं। देखना होगा कि इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस या पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किस तरह से चुनौती देते हैं, आगे कोर्ट की ओर जो अपना रुख है वो ले जाते हैं या फिर क्या करते हैं, किस तरह से। ये बात तो तय है कि इतने बड़े कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल, अब वो नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। और युगल ये भी देखा जाता है कि जाना माना नाम हो चुके हैं भूपेश बघेल, यहां तक कि उन्हें अब नेशनल लेवल पर जहां भी इलेक्शन होते थे हाईकमान भेजता था, वहां स्टार प्रचारक का एक मजबूत चेहरा बन चुके हैं भूपेश बघेल। और उसके बाद इस तरीके का एक्शन लिया जाना, इस तरीके से अब नाम आना कांग्रेस के लिए काफी सारी मुश्किलें वाकई में खड़ी हो चुकी हैं। बहुत शुक्रिया आपका युगल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब चलिए कुछ और अहम खबरों का हम जिक्र करेंगे, बात करेंगे पुणे की, जहां पुणे में प्रदूषण को रोकने और लोगों के स्वस्थ रहने के लिए आपला पुणे साइक्लोथोन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि पिछले 3 सालों से पुणे में इस साइक्लोथोन का आयोजन हो रहा है और इस साल भी इस आयोजन में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। साइक्लोथोन में 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 25 किलोमीटर और 10 किलोमीटर का साइकिलिंग रखी गई थी। सुबह 4 बजे इस साइक्लोथोन की शुरुआत हुई और IPS कृष्ण प्रकाश ने झंडी दिखाकर साइक्लोथोन का को रवाना किया। कृष्ण प्रकाश की माने तो कोरोना के बाद दुनिया भर में स्वास्थ्य के बारे में जागृति पैदा हुई है और इस साइक्लोथोन के कारण शहर के प्रदूषण रोकने में बड़ी सहायता मिलती है। साइक्लोथॉन आपला पुणे साइक्लोथॉन अपने आप में अनूठा है। ये 2021 में
जब कोरोना का संकट पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, उस वक्त एक विचार मेरे मन में आया कि क्यों ना मैराथन की धरती पर, मैराथन की जिस तरह से किया जाता है उस तरह से साइक्लोथॉन किया जाए। मैराथन से केवल व्यक्ति स्वस्थ होता है, लेकिन इसमें ना सिर्फ व्यक्ति स्वस्थ होता है बल्कि हमारा वातावरण भी सुंदर और स्वच्छ रहता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।